हमारे अलावा जॉन सीना, यू कांट सी मी? मैं शायद सपना देख रही थी। तुम सपना देख नहीं, बोल रही थी छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी यार, क्या हुआ? कोई तुम्हारा गला दबा रहा था। रहा था? तुमने उसकी शक्ल देखी? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता? था थी भी तो सकती है, सपना भी सेक्सिस्ट, जबकि सपना इन इटसेल्फ इज अ फीमेल नेम। ऐसा भी तो हो सकता है कि सपने में सपना मेरा गला दबा रही थी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है सोच सोच कर कि तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा गला दबा रहा है, तुम्हें जान से मार देगा, तुम पागल हो रही हो? मैं तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था यार। प्लीज रुको एक सेकंड, ये लो पानी पियो। अरे मुझे लगा मैं कुछ जोक मारूंगा तो शायद तुम्हें फाइन। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा प्यार मुझे दुनिया की सारी बलाओं से बचा सकता है मीरा, सिवाय तुम्हारे। What? I mean, मैं ठीक हूँ यार, मुझे क्या होगा? As long as तुम मेरा फिर से गला ना दबाओ। सोए? हाँ हाँ वो ले तो रहे ना अच्छे से दवाई। हाँ फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ मम्मी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जब जब मुझे ऐसा लगता है ना कि शहर के लोग समझदार हो गए, तब तब कोई ना कोई इडियट मुझे गलत प्रूफ कर ही देता है। क्या हुआ? कौन कहता है कि मुंबई में लोगों के पास टाइम नहीं है? यहाँ कुछ लोगों के पास इतना टाइम है कि दूसरों को बांटते फिर रहे हैं। अरे बट हुआ क्या? अरे क्या बताऊँ मैं तुम्हें यार, अभी गोरेगांव फ्लाईओवर के पास ना एक ब्लैक एसयूवी ने मुझे दबा लिया। उसमें से एक बंदा गुस्से में उतरा, स्टार्टेड चार्जिंग टुवर्ड्स मी। मुझे तो ऐसा लगा मार देगा मुझे। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? तो बोलता तूने मुझे कट मारा, कट मारा। मैंने बोला भाई साहब कब कहाँ? बोलता जू में मैं अपनी बिल्डिंग में एंटर कर रहा था, तू मुझे कट मार के निकल गया। मैं तुझे जू से फॉलो कर रहा हूँ, अब तू मेरे हाथ लगा है। सिर्फ तुझे ये बताना था कि तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तू कट मारता है। एंड देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। मैंने भाई साहब प्लीज गलती से हो गया, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू। बड़ी मुश्किल से शांत हुआ यार वो। सो वियर्ड, मतलब जस्ट इमेजिन एक बंदा ऑल द वे जू से मुझे गोरेगांव तक फॉलो कर रहा है सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने उसे कट मारा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। तुम हमेशा रॉन्ग ट्रैक पर क्यों चले जाते हो? अरे रॉन्ग ट्रैक पर मैं नहीं गया यार, रॉन्ग ट्रैक पर पानी चला गया। बट यू वर चोकिंग ना? आई एम टेलिंग यू, अभी इसका कनेक्शन मेरे डेजावू से है। डेजावू? अरे नहीं यार, डेजावू तो वो होता है जब प्रेजेंट में आपके साथ कुछ ऐसा हो जो आपको लगता है कि पहले भी कभी हो चुका है। तो हुआ ना मेरे साथ। क्या? मेरा कार वाला इंसिडेंट? नहीं, तुम्हारा चोकिंग। चोकिंग तो मुझे अभी हुई ना। हाँ लेकिन मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुकी थी ना अपने सपने में। Maybe this is reverse deja vu. देखो मीरा, मैं तुम्हारे इस thought process को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें correct करना मेरा फर्ज बनता है। इसे deja vu नहीं कहते, इसे premonition कहते हैं, किसी खतरे का पूर्व आभास होना। You mean
मैं फ्यूचर देख सकती हूँ? नहीं, बहुत रेयर है ये. लास्ट माधुरी दीक्षित को हुआ था 100 डेज में. करोड़ में किसी एक को होता है. और तुम जो हमेशा कहते हो कि मीरा तुम तो करोड़ों में एक हो. हाँ वो तो तुम हो, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है यार. चलो ना खाना खाते हैं, या फिर तुम ऑलरेडी फ्यूचर में जाके खाना खा चुकी हो. चलो ना यार मीरा. हाँ आती. अभी ये प्रेमोनिशंस ना मुझे बहुत पहले से हो रहे हैं. पहले से? हाँ, याद है तुम्हें मुझे उस दिन पूर्वाभास हुआ था कि हम मॉल में जाएंगे और हमें पार्किंग नहीं मिलेगी, और हमें पार्किंग नहीं मिली. हाँ तो हमने गाड़ी बाहर पार्क कर दी थी, इसमें क्या है? हाँ, और हमारा नो पार्किंग का चालान भी कटा था. यार ऐसे तो हमें पिक्चर की टिकट भी नहीं मिली थी, वो तो तुमने नहीं बोला था. एग्जैक्टली. अगर तुम मेरी बात मान लेते और अगर हम मॉल नहीं जाते तो टाइम और पैसा दोनों बर्बाद नहीं होता. यू सी, कनेक्ट द डॉट्स. कैसे डॉट्स यार? तुम ना सिर्फ डॉट्स क्रिएट कर रही हो उन्हें कनेक्ट करने के लिए, और कुछ नहीं. अरे मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ. अरे तुम रिसर्च मत करो, तुम सिर्फ रिलैक्स करो. तुम खामखा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो प्लीज, और उन्हें आराम दो. तुम्हारा ईयर एंड का स्ट्रेस और कैफ का इतना सारा काम, इन सब चक्करों में तुम बहुत दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही हो. और ये सारे स्टूपिड ख्याल ना तुम्हें दिमाग की बैंड बजा रहे. यू जस्ट नीड टू रिलैक्स मीरा. मीरा प्लीज, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए तुम्हारा सोना बहुत जरूरी है. तुम्हारी मीटिंग और मेरी नींद का क्या कनेक्शन है? अरे अगर तुम ठीक से सोओगी नहीं तो मुझे भी तो जागना पड़ेगा. कनेक्ट द डॉट्स. अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो. मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हल्दी का दूध बनाकर लेकर आता हूँ. इट विल हेल्प योर माइंड रिलैक्स. ओके? अरे नहीं, तुम किचन में मत जाना प्लीज. अरे अब क्या हुआ, अब क्या देख लिया तुमने? वो तुम जब भी किचन में जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है. कर रही हूँ मैं, लेट हो रहा हूँ. नहीं तुम बाहर जाओगे ना तो कुछ बुरा हो जाएगा. अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो बुरा हो जाएगा. बड़ी मुश्किल से मीटिंग अरेंज हुई है. आई डोंट केयर, तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है. मीरा मैं नहा चुका हूँ, कुछ हुआ मुझे नहीं ना. मुझे प्रेमोनिशन हुआ है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. और घर से बाहर कितनी सारी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, लिफ्ट का बटन है, गाड़ी की चाबी से तुम अपनी कार को अनलॉक करोगे और कार के अंदर. कार इलेक्ट्रिक नहीं है. लेकिन नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे प्लीज. आज घर से काम कर लो ना प्लीज, ये मीटिंग ऑनलाइन कर लो प्लीज प्लीज. मीरा मुझे तुम्हारे करवा चौथ की व्रत की पावर पे पूरा भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा. लेकिन मैं करवा चौथ के पावर्स को ट्रायल पे नहीं डालना चाहती हूँ. तुम बाहर नहीं जाओगे एंड दैट्स फाइनल. तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो, इनफैक्ट वर्क फ्रॉम रूम कर लो. मैं ना तुम्हारे लिए सारी तैयारियां कर दूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस. हाँ चलो 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 प्लीज 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 चलो चलो. Are you serious? हाँ यार, मतलब दुनिया का लॉकडाउन खत्म हो गया है और मेरा लॉकडाउन शुरू हो गया है. मेरा लॉकडाउन नहीं, मीरा लॉकडाउन. बहुत फनी है यार, कुछ भी करती है. सीरियसली यार, प्लीज रोहिणी डू समथिंग, समझाओ उसको. मतलब she is becoming paranoid about each and everything. घर तक तो फिर भी ठीक था यार, अब उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया है. कमरे से भी बाहर ही निकल सकता मैं. अरे तुम स्ट्रेस मत लो यार, आज रात का डिनर तुम डाइनिंग टेबल पर ही करोगे. आज रात का डिनर अभिमन्यु रूम में ही करेगा. एक बार नहीं, ये बार बार हो रहा है तुम्हारे साथ. मतलब तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि इसके पीछे कोई डीपर मीनिंग है? 100% है, जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है. यार मैं तो यहाँ तुम्हें समझाने आई थी, लेकिन मैं खुद समझ गई. लेकिन रोहिणी ऐसा कब तक चलेगा? अभी कोई कैदी नहीं है जिसे मैं बांध कर रखूं. लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना. तुम्हें बारो पता है कौन है? बीविंग वाली, देवदास वाली. उसने पूरी लाइफ दिया जला के रखा था देवदास के लिए, और दिया बुझा. और देव बाबू, तो मुझे भी. अरे नहीं नहीं, वो तो फिल्म थी. बट ऑल आई एम सेइंग इज कि पैरानॉइड होना ठीक है. सावित्री पता है ना, वो जो नीचे गार्डन में रील्स बनाती रहती है वो. अरे नहीं, सावित्री जिसने इतिहास बनाया था, द सावित्री, वो यमराज के पास गई थी अपने पति के प्राण वापस मांगने के लिए. तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि माइथोलॉजी से लेकर सिनेमा तक, जब जब हस्बैंड्स की लाइफ पे संकट आया है, हम वाइफ्स ही तो सामने आई हैं. अब ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है. आई डोंट नो रोहिणी, मेरा बस चलता तो मैं अभी को बेड से बांध कर रखती. बट यू नो, तो मीरा हो, मंजुलिका नहीं. ठीक है, बट इसका कोई तो सलूशन होगा ना. आई मीन, ये अभी की जिंदगी का सवाल है. जिसका जवाब तुम्हारे सपनों में छुपा है. आइडिया, मैं सोऊंगी नहीं.
सोऊंगी नहीं तो सपने नहीं आएंगे तो अभी सेफ। अरे कब तक नहीं सोगी, एक दिन दो दिन इवेंचुअली तो सोना पड़ेगा ना। यहाँ तुम्हारी आंख लगी और वहां अभिमन्यु की वाट लगी, फिर नहीं यार ये तो फर्स्ट एड है, हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करें? आई नो समवन, वो सपनों में छिपे हुए सवालों के जवाब ढूंढना जानता है। ही इज अ हीलर। Hope you liked the episode today, and if you did, then like, share, and subscribe to Shitty Ideas Trending on YouTube. Yes, और आज तो अभिमन्यु हमारे सामने जीता जागता खड़ा है, लेकिन अगले एपिसोड में रहे ना रहे कुछ कह नहीं सकते, तो आप लोग प्लीज आके जरूर देखिएगा कि क्या होता है इसका हश्र। Yes, और surprise factor अगले एपिसोड का? हाँ, बहुत ही खतरनाक सरप्राइज आपके लिए हम प्रस्तुत करने वाले अगले एपिसोड में, don't miss it guys, at any cost. In the form of the healer. तो अगर आप हीलर से मिलना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर 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 कीजिएगा। एंड द कॉन्टेस्ट क्वेश्चन इज कि आज के एपिसोड में आपने टोटल कितनी पेंटिंग्स देखी, और विनर को मिलेगा एक वीडियो कॉल विद द थ्री ऑफ अस। तो राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग आउट, लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू।